मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अभी मैं हूँ चंद्रभागा बीच पे, ये कोणार्क में ही है, इस जगह को कोणार्क बोलते हैं, हमें ऑटो वाले ने बताया। और ये चंद्रभागा बीच है जिसकी लहरें काफी तेज है, आपको साउंड आ रही होगी और दिख भी रहा होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट नहीं, अंधेरा हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन काफी लहरें जो है काफी बड़ी बड़ी आ रही हैं और काफी साउंड के साथ, आप देख सकते हैं काफी तेज है, थोड़ी डरावनी लहरें हैं। मुझे तो थोड़ा सा पानी से डर लगता है, ऐसे भी मुझे तो काफी डरावना, मुझे हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं थोड़ा नीचे भी जाऊं। मैं काफी ऊपर में हूँ सीढ़ी के ऊपर और ये ऊपर चांद मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि अंधेरा है, बट आपको इतना यहाँ पे लगेगा कि कितनी तेज लहरें आ रही हैं और काफी ऊंची लहरें आ रही हैं। आपको अगर साउंड आ रही होगी तो आप लोगों को पता चल रहा होगा तेज लहरें हैं। और हम लोग वापस आ चुके हैं और ये टोकरी वाली लाइट, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी आके हाथ पैर धो के थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, हम कोणार्क मंदिर घूम लिया है, बहुत अच्छा लगा। चप्पल दे चप्पल। और उसके बाद फिर अभी ड्रेस वगैरह चेंज करके अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे खाना खाने, जो ये होटल हम लोग जहाँ पे हम लोग हैं उसी के नीचे में खाने के लिए व्यवस्था है, रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहीं पे खाने जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं करके, और अभी जाएंगे हम लोग खाना खाने। उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट की तरफ जाएंगे, मार्केट नजदीक में ही है तो थोड़ा सा मार्केट में ऐसे ही टहलते हुए जाएंगे। मैंने अपना रात का कपड़ा पहन लिया है, लोअर और टी शर्ट, रिया ने चेंज नहीं किया, बाकी किशन ने भी अपना हाफ पैंट पहन लिया है, रोहित ने भी अपना लोअर चेंज कर लिया, जींस चेंज करके लोअर पहन लिया है ताकि हम लोग कंफर्टेबल रहे मार्केट में। थोड़ा सा बस ऐसे ही टहलने जाएंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है मार्केट में। पैन ऑफ करो, तो चलिए चलते हैं। और ये है इसका, इसके रेस्टोरेंट का मेनू। और हमारा डिनर हो चुका है और अभी हम लोग निकले हैं मार्केट घूमने के लिए, तो देखते हैं कैसा मार्केट है यहाँ पे। छोटा सा मार्केट है, बहुत बड़ा नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा हम लोग टहल रहे हैं मार्केट में कि किस तरह से है, क्या क्या मिल रहा है यहाँ। अच्छा, वो पर्पल वाला केक भी है ना, वो भी बोल दीजिए। और मार्केट से थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके हम लोग आ चुके हैं बीच पे, और बीच पे इस तरह से मिल रहा है समुद्री मछलियाँ, इस तरह से थोड़े से मार्केट लगे हुए हैं तो लोग ले रहे हैं, कैब वगैरह भी है, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बीच में क्योंकि हम लोग का होटल जो एकदम बीच के पास है, तो थोड़ा सा टहलते टहलते अभी आ गए हैं हम बीच पे। और टाइम क्या हो रहा है अभी? 9:45 का टाइम हो रहा है। और ये थोड़ा सा चिप्स वगैरह लिया है हमने, अभी के लिए नहीं, कल सुबह के लिए, थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा रूम में। और बस हम लोग थोड़ा सा बीच देखने आ गए कि रात में कैसा लगता है, लोग आ रहे हैं अभी भी यहाँ पे घूमने के लिए, तो अच्छा है, थोड़ा सा टहल के फिर हम लोग वापस चले जाएंगे होटल में। और काफ़ी तेज लहर है, पता नहीं क्यों, हवा भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत, और ऊपर मून,
और नीचे समुद्र और सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लोग आए हैं, बैठे हैं थोड़ी देर लहर के पास, और बहुत तेज लहर आ रही है, काफी साउंड भी हो रहा है। आई होप आप लोग भी सुन पा रहे होंगे आवाज। हम लोग को थोड़ा सा लहर ज्यादा तेज लग रही है क्योंकि हम लोगों ने पूरी फर्स्ट टाइम आए हैं। हम लोग एक्चुअली हम लोग साउथ में घूमे हैं, बीच वगैरह, मरीना बीच वगैरह चेन्नई का, लेकिन इस तरह का इतना तेज लहर और इतना साउंड के साथ नहीं आता है, इसलिए शायद हमें ज्यादा लग रहा है। अब पता नहीं ये आज ऐसा आया है कि ये सुबह में भी ऐसा ही रहेगा, हम लोग देखेंगे बाद में फिर, लेकिन आज तो बहुत तेज लहर है और काफी साउंड के साथ आ रही है लहर। क्या कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं, कुछ तो हो रहा है। रोहित क्या बच्चों जैसा कर रहा है? और रोहित और रिया इस तरह से फ्लैट स्लाइड चला के और रेत पे खेल रहे हैं। दोनों बच्चे मेरे छोटे हो गए हैं यहाँ आकर। और ये इधर चारों तरफ सी के पास होटल, हमारा होटल भी जस्ट यहीं पे है। हमारा होटल इसी रोड में, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसके बगल वाला होटल ही हम लोगों का है। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज ये हमारा उड़ीसा में डे टू, और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा के और जाएंगे अभी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैंने पहनी अपनी रेड वाली कुर्ती और यहाँ पे रेडी है, रोहित भी रेडी हो चुका है, किशन अभी नहा के निकले हैं और वो रेडी हो रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30, और हम लोगों का प्लानिंग था कि 6:30 तक रेडी हो जाएंगे, लेकिन रेडी नहीं हो पाए हैं अभी तक, किशन अभी रेडी हो ही रहे हैं। तो बस हम लोग रेडी होंगे जैसे ही वैसे ही निकल जाएंगे, तो फटाफट हम लोग रेडी हो रहे हैं। और मंदिर में तो कुछ नहीं शूट कर पाऊंगी, पर जितना हो सकेगा जहाँ भी जा रही हूँ, कहीं भी घूम रही हूँ, तो वो सारा शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो बस हम लोग फटाफट रेडी होते हैं तब तक, और मैंने बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बेड वगैरह क्लीन हो। और एक अजीब सा चीज मुझे लगा कि मैंने आज तक जितना भी मैं घूमी हूँ, मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत जगह घूमा है, लेकिन इस तरह का होटल में पहली बार प्रिंटेड बेडशीट देखा है। रिया रोहित कह रहे थे कि घर वाली फीलिंग लाने के लिए ये ऐसे किए हैं, बट आई डोंट नो, लेकिन जहां भी जाती हूँ व्हाइट कलर का ही बेडशीट दिया जाता है, बट यहाँ प्रिंटेड बेडशीट दिया गया, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये मुझे एक यूनिक चीज लगा यहाँ उड़ीसा में, पता नहीं हो सकता है हर होटल में नहीं हो, बट हमारा जो होटल है वहां पे ये प्रिंटेड बेडशीट दिया गया है हमें। और हम आ चुके हैं मंदिर के नजदीक, बट ऑटो जो है अंदर तक नहीं आया, पता नहीं यहाँ कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन सारे ऑटो को अलाउ नहीं है यहाँ तक आने का शायद। तो होटल की तरफ से हमने पंडा किया है, तो वो हमें बताया कि यहाँ से पैदल जाना है अंदर, और अब मैं निकल चुकी हूँ, तो देखती हूँ, ज़्यादा मंदिर दूर नहीं है, सामने मुझे मंदिर दिख रही है बट। और ये रहे रिया रोहित, इधर किशन, बस अब इंतज़ार है स्वामी जगन्नाथ के दर्शन का, बस हम लोग अंदर जा ही रहे हैं मंदिर के। और काफी भीड़ है, कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे से लाइन लगी है, और अभी ऑलमोस्ट टाइम अभी 7:45 का टाइम हो रहा है, और काफी भीड़ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी और आगे भी काफी लाइनें हैं। तो हम लोग लाइन में लग चुके हैं और धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ रही है, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइन रुकी हुई है, लाइन कंटिन्यूस चल रही है, बट फिर भी काफी भीड़ है, तो समझ में नहीं आ रहा है कब तक होगा दर्शन, बट ठीक है जब भी होगा देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोगों को दर्शन के लिए। और मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर के अंदर, और यहाँ पे जूते और बैग्स वगैरह समेट लिए जाते हैं, आपको मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं इसके आगे नहीं शूट कर पाऊंगी, निकल के बताती हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस दर्शन का, और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो फिर मैं और इधर अगल बगल शूट करने की कोशिश करूंगी। अभी समिट के लिए है ये जगह,
मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने मोबाइल और शूज वगैरह सबमिट करना था, बट हम लोग बैग सबमिट नहीं किए क्योंकि मेरा जो पर्स था वो अलाउड कर रहे थे कि बैग ले जा सकते हैं, बट मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर ले जाना। और शूज़ वगैरह सारा वहाँ पे जमा कर दिया हम लोगों ने। और इस तरह से है चारों तरफ पीने का पानी, और इस तरह से है मंदिर। तो हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ शूज़ सबमिट कर रहे हैं। और हम लोग 7:30 बजे लाइन में लगे थे और बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो चुकी है, हमारे मोबाइल भी हमें मिल चुके हैं। और अभी 9:30 टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहा है ना, 9:30 का टाइम हो रहा है और बहुत अच्छे से हो गया हमारा पूजा और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। काफ़ी भीड़ है बट लाइन की व्यवस्था अच्छी है, अच्छे से दर्शन हो रहे हैं भगवान के और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से ये मन में ठाना था कि दर्शन करने आएंगे, हम लोग नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। और अब मंदिर के बाहर इस तरह से रोड पे आपको खाजा और प्रसाद के स्टॉल मिलेंगे। ये मंदिर में चढ़ता नहीं है, मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वो आपको टोकन से मिलेगा, बट इस तरह से जो प्रसाद है ये लोग ले जाते हैं घर पे बांटने के लिए। आप देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ, शंख वगैरह भी बहुत बिखरे हैं। हम लोग अभी नींबू पानी पीने के लिए आए हुए हैं क्योंकि सुबह से प्यास लग गया है, सुबह से कुछ भी नहीं पिया है हम लोगों ने पानी वानी। और अभी मंदिर में तुलसी का पत्ता दिया गया था प्रसाद के रूप में, तो वो खाया है, तो बस अभी हम लोग नींबू पानी पिए हैं। और पूजा करके आने के बाद फिर से हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैंने अपना सूट चेंज कर लिया है क्योंकि उसमें बहुत गर्मी लग रही थी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं भुवनेश्वर के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन भुवनेश्वर से हम लोग को घूम के आना है आज ही क्योंकि कल हम लोग को निकलना भी है। तो रोहित आ जाओ, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं। ये रिया बस मैंने चेंज किया है, बाकी सब लोगों ने पहना है वही, क्योंकि जींस में थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है ज़्यादा दूर जाने के लिए। एक घंटा लगेगा यहाँ से जाने के लिए भुवनेश्वर, और वहाँ जो मेन मंदिर है वो घूमेंगे हम लोग। पर्सनल कार करके जा रहे हैं, बस वगैरह से नहीं जा रहे क्योंकि उसकी टाइम बीत चुकी है, टाइम चला गया है बस से जाने का। हम लोग पर्सनल कार किए हैं जिससे कि हम लोग अभी जाएंगे घूमने, तो चलिए जो देखूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी साथ साथ, चलिए चलते हैं। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, भुवनेश्वर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।